जग में सा जोरा हे तू ही बिगाड़े तू ही बनाए तू ही बिगाड़े तू ही बनाए सारे जग के राम राम हमें बुंदेली चुरी से नीरद राम नाम सत्य है और यही दुनिया को अंतिम सत्य भी है भैया राम राम हमें बुंदेली चुरी से नीरज खबर ही मेरा की आ रही है बहुत बुरी खबर है। आत्मा बिल्कुल किलकिला रही है अंदर से तड़प रही है वैसे हो कैसे हो अगर कहू के एक घर के तीन चिराग इकट्ठे बुझ जाए तो वो घर की मर्मांतक पीड़ा कैसे हुई है समझो जा सकता गढ़ी बना क्षेत्र को गांव है और्दमऊ जो राजनगर महानपुर विधानसभा क्षेत्र को गांव है और नीरज दीक्षित एक विधायक को गांव है उस गांव में एक संगे तीन बच्चन की जल समाधि हो गई। कल बेचारे खेल रहे थे खेल खेल के तला किनारे गए तला किनारे फिसल गए मिट्टी में फिसल के एक के बाद एक तीनों बच्चन की मौत हो गई। बच्चन के सब निकाले गए तालाब से निकाल के उनको पोस्टमार्टम कराओ पीएम के बाद जब घर सब पहुंचे तो पूरा गांव बिलक पड़ा पूरे गांव की आंखों में आंसू आते देखो बरौनी जी की वहां यह खबर गड़ी मजा था क्षेत्र के उर्दमऊ गांव में जो कोहराम पसरो है जहां बरार परिवार के तीन बच्चन की एक संग तलैये में डूबने से मौत हो गई। बता दें तो आज उर्दमऊ में रहे वाले धर्मेंद्र बसोर की दो बिटिया और एक लड़का पास की तलैया में खेल भी गए थे तलैया के पास खेल रहे थे और खेलत खेलते तलैया किनारे पीली मिट्टी में ऐसे फिसले के जे पानी में डूब गए। जब शाम तक बच्चा घर नहीं लौटे तो इनकी तलाश भाई और जब देखो तो तलैया के बाहर यानी तलैया में इनके इनके सब उतरा रहे थे तुरंत निकाल के पुलिस की सूचना दी गई। मौका पर तहसीलदार आनंद कुमार जैन पहुंचे थाना प्रभारी रवि उपाध्याय पहुंचे और इन्हें पंचनामा बना के पीएम के लाने भेजो। आज जब सवेरे जब गाँव में सब पहुंचे जैसे कोहरा मच गया रो रो के आदमी को बुरा हालत हो ऐसे बिलख रहे थे आत्मा कि लग रहा था कि हो खाओ भगवान जो ये मामले में थाना प्रभारी जो बता रहे सुन लो थाना में हो गई सर। बिल्कुल आज यहाँ ग्राम उर्दमऊ में बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक ही पिता के तीन संतानें उसमें तालाब में डूब के ख़त्म हो गए खेलते खेलते तीनों बच्चे उसमें चले गए थे और उसमें दो बच्चियाँ हैं और एक बच्चा है तीनों सगे भाई बहन हैं तो पुलिस किया गया है और उसका पोस्टमार्टम करा रहे तीनों का। जय भैया दशा सुबह से बचपन हंसत देखो दोपहर आई जवानी सांझ बढ़ाओ को ढलत देखो रात तक खत्म कहानी जो चार अवस्था जीवन की होती लेकिन सुबह के बचपन में भी खेलत खेलत तो जो बच्चा का चले जाए तो ला दे खले वाहो कछु घोर अब होवे वाल है कैसे अबे सोचो तो 2020 में आदमी कोरोना से निपटो 2021 में शांति रहे लेके नहीं है 2021 के शुरू बात है इसे बिल्कुल ऐसी ऐसी घटना सुनने के मिलने कि हाँ हाँ आदमी की आत्मा कांपत है कि भगवान मचोगा दुनिया में कलिकाल में हो कहो भगवान अगर कौन से गलती इंसान से हो तो ये सद्बुद्धि दो ये अच्छी दिमाग में लगाओ गद्दार बहुत है समाज अमान है बिल्कुल आफ्रस्ट हुई नाराज हुई बहुत बदमाश आदमी भी है धोखेबाज छोल छल छल वाले फरेबी सब कुछ हुए उसके बाद ही तुम तो भगवान दाता ईश्वर ऊपर वाले आप तो फिर भी कृपा करो ऐसे कौ के जीवन को जे दुख ना दिखाओ कौन के तीन पलक से बच्चा छीन लो। अब हम ले रही है विदा बहुत कष्ट है आत्मा का। जय राम जी। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डीमार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और DPS स्कूल 5 मिनट की दूरी पे इत पे आप खाम मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल कम्युनिटी हॉल गार्डन एसी जिम बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा CCTV कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट हर सुविधा खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे जहां पे प्राकृतिक वातावरण सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे
हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आप खा बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन सीलिंग वॉलपेपर लाइट्स वुडन पैलिंग दरवाजा और खिड़की सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा संगे संगे इकी कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।